क्या दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट के ट्रोल को करती हैं फॉलो? नेटिजंस ने दीपिका पादुकोण को किया सोशल मीडिया पर स्लैम फॉर सपोर्टिंग अ ट्रोल। क्या दीपिका पादुकोण को नहीं था पता ये यूजर आलिया भट्ट को करता है ट्रोल? सोशल मीडिया पर सेलेब्स के हर एक फॉलो, लाइक और रीट्वीट पर रहती है फैंस की नजर, और अब सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में एक सोशल मीडिया अकाउंट से आलिया भट्ट को जबरदस्त तरह से ट्रोल किया गया था, और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस ट्रोल अकाउंट से ये क्लेम किया गया है कि दीपिका पादुकोण उनके अकाउंट को फॉलो कर रही थी और इसके सपोर्ट में ये वीडियो भी पोस्ट किया गया था। इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है कि इस ट्रोल को दीपिका पादुकोण ने फॉलो किया था, लेकिन इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस यूजर ने ये जरूर आगे क्लियर किया था कि दीपिका पादुकोण ने कुछ ही वक्त के लिए उस अकाउंट को फॉलो किया था। लुक्स लाइक इवन क्वीन हैशटैग दीपिका पादुकोण इज टायर्ड ऑफ नेपो ब्रैट हैशटैग आलिया भट्ट। थैंक्स फॉर शोइंग द सपोर्ट इवन इफ इट इज फॉर अ शॉर्ट स्पैन। वी नो यू आर विथ अस इन स्पिरिट। वैसे दीपिका पादुकोण की एक फैन ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उसने दीपिका पादुकोण को डीएम करके इस बात की जानकारी दी थी कि उनके अकाउंट से एक ऐसे यूजर को फॉलो किया जा रहा है जो एक्टर्स को ट्रोल करता है, और इस यूजर के मुताबिक इस पोस्ट के बाद दीपिका पादुकोण ने इस ट्रोल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया था। वैसे इस फैन ने तो दीपिका पादुकोण को डिफेंड किया, लेकिन कुछ यूजर्स इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण को ट्रोल करने से नहीं चूके और कमेंट सेक्शन में दीपिका पादुकोण को बता दिया नॉट सो गुड ह्यूमन बीइंग। सेलेब्स के लिए सोशल मीडिया बन गया है ट्रिकी डेस्टिनेशन, जहां उनके एक भी गलत मूव को तुरंत हाईलाइट कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि धीरे धीरे सेलेब्स सोशल मीडिया पर बहुत ही कम फैंस के साथ करते हैं इंटरैक्ट। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.